हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम बात करने वाले हैं रतन पावन इंडिया की टुडे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। बात करेंगे ऑल पॉजिटिव लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो यहाँ पे अभी हम चलते हैं डायरेक्ट लेटेस्ट स्लाइड के ऊपर। फर्स्ट यदि आप यहाँ पे चेक करें तो इसका जो 52 वीक लो रहने वाला है वो 3 रुपये 20 पैसे रहने वाला है एंड अपने 52 वीक से काफ़ी करीब यदि यहाँ पे चेक करें तो 3 रुपये 30 पैसे, मतलब यहाँ पे 10 पैसे ऊपर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत बहुत बड़ी पॉजिटिविटी आप सभी के बीच इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे रहने वाली है। साथ साथ यदि आप हाई की बात करें तो वो यहाँ पे 10 रुपए के अराउंड रहने वाला है। तो यहाँ पे और भी पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं जो यहाँ पे इस सेक्टर के बारे से निकल के आ रही है। यदि इस सेक्टर में बात करें तो इस सेक्टर के सारे शेयर अभी यहाँ पे पॉजिटिव इंडिकेशन देते हुए देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो अडानी ग्रीन हो, अडानी ट्रांसमिशन हो, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, NTPC, अडानी पावर, टाटा पावर कॉरपोरेशन एंड JSW एनर्जी। जितना इन शेयरों को यहाँ पे गिनना था वो अभी गिर चुके हैं एंड अभी ऊपर की ओर यात्रा इन्होंने स्टार्ट कर दी है। तो एक यहाँ पे मतलब यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन यहाँ पे कर सकते हैं कि रतन पावर इंडिया भी यहाँ पे ऊपर की ओर जाते हुए देखने को मिल सकता है। ऐसे ही यदि आप यहाँ पे टेक्निकली रूप से इस समय देखें तो टेक्निकली रूप से तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमजोर है, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट इसमें देखने को मिली है एंड उतनी बड़ी गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है कि ये 3 रुपए के अराउंड अभी जा पहुँचा है, जबकि ये 10 रुपए का यहाँ पे हाई भी बना चुका है। वो मैं आपको यहाँ पे पहले बता चुका हूँ, 10 रुपए वाला शेयर अभी आपको 3 रुपए में अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी तो है ही एंड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे बनते हुए नजर आती है। एंड साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें 50 डेज DMA एंड 200 डेज DMA, मतलब येलो लाइन एंड ब्लैक लाइन दोनों से अभी नीचे चल रही है पर्पल लाइन। इसका मतलब है कि अभी ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों टाइम में आप बियरिश मोड में हैं, लेकिन यदि आप यहाँ पे देखें तो काफ़ी तेजी से येलो लाइन अभी नीचे आते हुए देखने को मिलती है। जैसे ही ये पर्पल लाइन येलो लाइन को एक बार क्रॉस कर जाती है देन फिर वहाँ से आप एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हो सकता है ये यहाँ पर वी शेप रिकवरी बनाते हुए देखने को मिले एंड ये आप देख रहे हैं ये येलो लाइन तो नीचे की ओर जाते हुए देखने को मिलती है। तो जहाँ पर ये क्रॉस करती हैं वहाँ पे एक आप बाई की बिड लगा सकते हैं, मतलब आप अपनी रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से एक बाइंग की बिड यहाँ पे लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने एक बार फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कशन जरूर कर लें। साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखें तो कितनी बड़ी पॉजिटिविटी है, क्योंकि इस कंपनी का जो ROC है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय, वो काफ़ी ज़्यादा हाई है, 7.78% से पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। साथ साथ DIC यदि होल्डिंग देखें वो भी इसमें 13.4% के साथ साथ एक बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन इस शेयर के बारे में यहाँ पे बना के जरूर दे रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो भी अभी 44% के अभाव है, जबकि ये पेनी स्टॉक है। तरह के पेनी स्टॉकों में प्रमोटर्स की होल्डिंग इतनी ज्यादा रहना यहाँ पे रेयरली यहाँ पे कम ही देखने को मिलता है। फेस वैल्यू की बात करें तो वो भी यहाँ पे एक पॉजिटिव इंडिकेशन हमेशा देता है, क्योंकि 10 की फेस वैल्यू के साथ ये रहने वाला है। ASM अपडेट की बात करें तो ASM अपडेट से अभी पूरी तरह बाहर निकलते हुए देखने को मिला है। साथ साथ अभी हम BSE के काउंटर पर आ चुके हैं। ASM के रिगार्डिंग यदि बात करें तो ASM से बिल्कुल बाहर रतन पावर इंडिया यहाँ पे देखने को मिला है, जबकि यहाँ पे BSE के काउंटर पर आज के दिन 3 रुपए 28 पैसे NSE से 2 पैसे कम पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, जबकि यहाँ पे एडजस्टमेंट आज के दिन देखने को नहीं मिला है। साथ साथ यदि डिलीवरी बेसिस पर बात करें तो अभी हम चलते हैं डायरेक्ट डिलीवरी बेसिस पर। तो डिलीवरी यदि आज के दिन देखें तो 52 लाख शेयरों से ज़्यादा की यहाँ पे क्वांटिटी ट्रेडिंग आज की डेट में यहाँ पे देखने को मिली है, जबकि यदि डिलीवरी की बात करें तो उतने में से केवल यहाँ पे 31 लाख की आज के दिन डिलीवरी BSE के काउंटर पर देखने को मिली है, 60% के अराउंड, 59%, जबकि यहाँ पे 60% के अराउंड की यहाँ पे बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ साथ डिलीवरी यहाँ पे चल रही है। जबकि कोई भी शेयर में यदि 60% डिलीवरी आती है तो उसमें एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन बनते हुए नजर आता है एंड जो भी कोई भी स्टॉक हो यदि अपने 52 वीक लो पे चलता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी डिलीवरी रहने की आशंका जरूर रहती है। इसके पहले मैंने ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो अपलोड की है, उसमें 80% तक डिलीवरी आज के दिन NSE के काउंटर पर पहुँच चुकी है। वैसे आपको रियल डाटा बताऊँ तो 89% तक की पे डिलीवरी NSE के काउंटर पे आज के दिन ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर में उठते हुए देखने को मिली है। तो बहुत बड़ी पॉजिटिव इंडिकेशन, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इन सभी शेयरों में समय पूरे शेयर मार्केट में बनते हुए नजर आ रही है। साथ साथ यदि आप थोड़ी नेगेटिविटी की बात करना चाहें तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे DIIs ने अपनी होल्डिंग 0.70% कम की है लास्ट क्वार्टर के बेसिस पर, जबकि कंपनी को नेट प्रॉफिट अभी बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी लगातार लॉसेस में चल रही है, अभी भी कंपनी 1981 करोड़ के लॉसेस बना के रखा है कंपनी ने। साथ साथ यदि आप बात करें तो ये 2 लोकेशन वर्क करती है, इंडिया की लार्जेस्ट प्राइवेट पावर जनरेशन कंपनी है एंड यदि बात करें 2700 मेगावाट की कैपेसिटी का थर्मल पावर प्लांट अमरावती एंड नासिक में यहां पे इंस्टॉलमेंट है, जबकि यदि बात करें दोनों में यदि बात करें तो 1350 मेगावाट का ईच लोकेशन में यहां पे देखने को मिलता है एंड यदि आप इसकी टोटल कैपेसिटी की बात करें तो वो 2700 मेगावाट है, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो एक अच्छी हाई कैपेसिटी पे ये वर्क करती है कंपनी, जबकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1772 करोड़ का है, जो इसके साथ साथ यहां पे एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बना के देता है।
क्योंकि पेनी स्टॉक में यदि आप रियली देखें तो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये इसकी कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी के साथ साथ यदि आप बुक वैल्यू भी चेक करें तो बुक वैल्यू भी 4.96 रुपए की यहाँ पर रहने वाली है, जबकि शेयर का इस समय जो प्राइस है वो 3.30 रुपए के अराउंड चल रहा है। तो ये सभी चीज़ें इसकी रहने वाली हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पॉजिटिव इंडिकेशन के साथ साथ एक और इसका प्रॉज है जो यहाँ पर बना के एक पॉजिटिविटी देता है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर रिजल्ट्स, मतलब कंपनी यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देने में एक्सपर्ट है, कंपनी हमेशा यहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स देती है। आप बोलते हैं नेगेटिविटी की बात आप नहीं करते, तो मैं आज के दिन आपको यहाँ पे कौन से भी बताना चाहूंगा। कौन से में सबसे बड़ा जो यहाँ पे कौन से निकल के आता है वो है प्रमोटर की प्लेजिंग से रिलेटेड, क्योंकि प्रमोटर्स ने यहाँ पे 89% के अराउंड की होल्डिंग प्लेजिंग कर रखी है, जो यहाँ पे बहुत बड़ी नेगेटिविटी इस कंपनी के लिए बनती नजर आ रही है, जिस कारण से यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट पे आउट करने पड़ते हैं, जिस कारण से कंपनी को यहाँ पे लगातार लॉसेस देखने को मिलते हैं। यदि लॉसेस की बात करें तो कंपनी इस समय भी लॉसेस में, एंड पिछले यदि आप 8 से 9 क्वार्टर देखें तो कंपनी लगातार यहाँ पे लॉसेस में दिखी है। एक क्वार्टर में कंपनी को 1658 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, लेकिन यदि आप लेटेस्ट क्वार्टर 4th के रिजल्ट्स में देखें तो कंपनी इस समय 310 करोड़ के लॉसेस से गुजर रही, जबकि क्वार्टर 3 में कंपनी को 387 करोड़ के लॉसेस थे। उसके पहले भी कंपनी को क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स में 460 करोड़ के लॉसेस थे, उसके पहले 1 में यदि बात करें तो 824 करोड़ के लॉसेस थे। यदि आप टोटल लॉसेस को यहाँ पे कवर करें तो लगभग यहाँ पे 1800 से 1900 करोड़ के लॉसेस कंपनी लास्ट 1 ईयर में बना के दे चुकी है। तो ये इसकी बहुत बड़ी नेगेटिविटी है कंपनी की। लॉसेस होने की मैंने आपको वजह भी बता दी, वो है इंटरेस्ट पे आउट, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर्स की बहुत ज़्यादा 85% के अराउंड की होल्डिंग प्लेजिंग में है, जिस कारण से कंपनी के प्रमोटर्स इंटरेस्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे ब्याज बहुत ज़्यादा दे रहे हैं अपने ही पैसों पे, जिस कारण से कंपनी को यहाँ पे नेट लॉस बहुत तगड़ा लगता है। एंड यदि सेल्स की बात करें तो इस समय कंपनी की जो सेल्स है वो 823 करोड़ की, जो लास्ट क्वार्टर में 805 करोड़ की थी, तो यहाँ पे सेल्स तो थोड़ी ग्रो होने को दिखी है। लास्ट 3 क्वार्टर के बेसिस पे यदि डाटा चेक करें तो सितंबर 2021 में जो सेल्स 857 करोड़ की थी वो 805 करोड़ की दिखी, क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स में एंड क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में बात करें तो वो 823 करोड़ की देखने को मिली। तो सेल्स में इंप्रूवमेंट है, लेकिन कंपनी की नेट प्रॉफिट अभी भी नेगेटिवली चल रही है। जैसे ही प्रॉफिट यहाँ पर पॉजिटिवली आ जाएगी, इस शेयर को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन वहाँ से मिलेगा, देन शेयर यहाँ पर रॉकेट की तरह भागते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि पावर जनरेशन कंपनी है। इस कंपनी में जितनी भी कंपनियाँ वर्क करती हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ पर जो इंडिया की कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है, एंड कंपनियों की संख्या एंड यहाँ पर जितनी भी मतलब थर्मल पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम है। तो इस पूरे सेक्टर में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, एंड इस सेक्टर के यदि आप और भी शेयर देखना चाहें तो आप जाके देख सकते हैं। एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी की दोनों कंपनियां ही बहुत अच्छी यहां पे चल रही है शेयर मार्केट में। थर्ड कंपनी की यदि बात करें अडानी पावर, एकदम यहां पे रॉकेट की तरह पिछले टाइम भागते हुए देखने को मिली है। तो इस सेक्टर की सारी कंपनियां ऐसे ही भागती हैं। यदि इसको भी मौका मिला, रतन पावर इंडिया को भी यहां से एक मौका मिलता है, तो ये भी देन आपको ऐसे ही रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकता है, एक मल्टीवैगर बन के 2025 तक आपको साबित होते हुए देख सकता है। बकाया यदि आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर फर्स्ट टाइम हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।